का ये क्वेश्चन होता है बोस के हम जो पेपर है वो कैसे सबमिट कराया था, क्या तरीका है पेपर जो है कैसे किया जाए, ठीक है। तो रेंडमली मैं आपको एक जो है वो दिखाऊंगा पेपर कैसे करना है, ठीक है। एक पेपर दिखाऊँगा, उस पर नाम कैसे लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, ये आपके सामने एक पेपर है जिस पे मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी करते हैं, कुछ वर्ड में भी कर देते हैं, दोनों में करते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई इसमें नहीं है कि पीडीएफ में लाजमी करना है या वर्ड में लाजमी करना है, ठीक है। पर ज़्यादा बेहतर है कि आप पीडीएफ में करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर दूसरा, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे पूरा, जैसे मेरा नाम शाह खान है तो मैंने पूरा नाम शाह खान लिखा है। उसके बाद जो है अपना नंबर लिखा है मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, जो लर्नर पार्टनर नेम है वो लिखा जाता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा सेफ्टी रीजन की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको मैं एक और रैंडम नाम लिख के जो है वो बताऊँगा कि उसकी वेबसाइट पर कैसे अपलोड करना है पेपर को, ठीक है। तो हम चलते हैं पोर्टल पर, ये बोस्ट का पोर्टल आ गया, लॉग इन आप जब यहाँ करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पेपर आपका आया हुआ है, अब ये मेरे स्टूडेंट्स का पेपर है तो यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव नॉट येट सबमिटेड योर एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने सबमिशन करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किया आपने तो ये आ गया आपका एग्जामिनेशन पेपर का जो वो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ आपको टाइमिंग भी बता रहा है कि 2 घंटे 5 मिनट अभी रहते हैं पेपर, आप 2 घंटे 5 मिनट बाद भी करा सकते हैं, ठीक है। और सबमिशन के लिए जो है वो अभी टाइम रहता है, ठीक है। अब सबमिशन करने के लिए यहाँ एड सबमिशन पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया, ठीक है। कि आप जो टटन सॉफ्टवेयर है आप उसकी जो वो चेकिंग है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। टटन एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पेपर को रिव्यू करता है, चेक करता है कि प्लैगरिज्म तो नहीं है, या आपके वर्ड्स की मैचिंग ज़्यादा तो नहीं है, या आपके आंसर जो है वो किसी और स्टूडेंट से 80% या आप कह लें कि 85% मैच तो नहीं कर रहे कहीं। अगर ऐसा हो जाए, अगर आपने चीटिंग भले ही ना की, अगर ऐसा हो भी जाए तब भी जो है वो ये जो है प्लैगरिज्म में आ जाता है। बहुत सारे लड़के हैं जो चीटिंग नहीं करते, प्लैगरिज्म नहीं करते, उसके बावजूद आ जाता है। और एक तो याद रखें कि कभी भी गूगल से कोई चीज़ कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट ना करें, सिर्फ वेबसाइट अगर लिंक करनी है तो वही करें, ठीक है। अरे इसमें सर्टेन टर्म्स हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ सर्विसेज है, साइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का जो कंटेंट डेटा एम चीज़ है, दूसरे बटन है जो नॉलेज है कि प्लेटफॉर्म मतलब कि ये पिक्चर्स डेटा आप जो लिखेंगे वो ये आप कह लें कि प्योरीफाई करेगा, चेक करेगा, ठीक है, कि जो आपने पेपर किया है वो सही है नहीं है। और इसी तरह उन्हें जल्दी यू आर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव नोटिस, नोटिस कॉपी राइट्स, तो प्रोसीजर फॉर मेकिंग क्लेम्स ऑफ कॉपी राइट इंफॉर्मेंट, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, ये ओपलैंड कॉन्ट्रैक्ट्स @rtn.com, प्राइवेसी, इस तरह इसकी एक पॉलिसी आई हुई है जो आपने करनी होती है, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ दिसंटर, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत लंबा एक वो है, इसमें वेबसाइट की है, ठीक है। टर्टन इज कंप्लेंट विद जनरल डेटा प्रोटेक्शन, आपको डेटा वगैरह को लीक हो जाता है तो उसके लिए भी ई मेल ली TPO@rtn.com, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपने पूरी पढ़नी है प्रॉपर, इसको आपने एग्री कर लिया, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया, ये आपका और उनका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो खुद ब खुद जो है ये खुल गया, ठीक है। वर्ड में एक्सेप्टेड होती है, पीडीएफ में एक्सेप्टेड होती है, ये दो इसमें मूल हैं, ठीक है ना। ये नीचे लिखा हुआ पीडीएफ और वर्ड 2007 वर्ड डॉक्यूमेंट्स लॉग फाइल, ठीक है। मिनिमम साइज़ जो है फाइल का स्वयं भी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसमें डिक्लेयर करना है कि आप ही नहीं की है, ठीक है। इसमें आप यहाँ से ट्रैक करेंगे अपलोड अ फाइल, यहाँ अपलोड अ फाइल पाएंगे तो आपने चूज़ फाइल करनी है, मतलब कि फोल्डर में जाना है, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है आपके माई कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन वगैरह होती है। ठीक है, यहाँ आप क्या कि मैं एक रैंडम पेपर उठाऊँगा मेरे पास, क्योंकि
सारे पेपर हैं, तो मैं एक जनरल पेपर उठाता हूँ। हाँ मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ ये मैंने एक पेपर उठा लिया, ठीक है, जिस पे आप ये नीचे देख रहे हैं मेरे भाई का ये पेपर, ठीक है। तो पेपर में नाम सबसे पहले पूरा लिखा, फिर आगे नंबर अपने स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसमें सेव एज वो कहता है कि वो लिखें, तो इसमें सेव में जो फर्स्ट नेम है वो पहले आ जाएगा, ठीक है ना। खान मोहम्मद इमरान, ठीक है। उसके आगे आपका नंबर आ गया 44, ठीक है। और फिर आगे आपका जो है वो इंस्टीट्यूट नेम आ गया, ठीक है। ये इस तरह आपने नाम सेव करना है। सबसे पहले आपने अपना लिखना है, जो आपका लास्ट नेम है वो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। मोहम्मद इमरान खान है तो खान मोहम्मद इमरान आ जाएगा, ठीक है। एक तरीक़ेकार है। अच्छा, इसके अलावा निबोश ने भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ चीज़ ना प्रॉपर डिटेल है, अगर मेरे से कुछ चीज़ मिस हो जाए, अगर नहीं हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी डिटेल जो मिस ना हो आपसे, अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आप इस फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल जब आपने यहाँ अपलोड कर दी, ठीक है, तो यहाँ शो हो रही है, ठीक है ना। अभी आपने अगर कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, कुछ करना है, तो सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना है कि ये आपका ही पेपर किया हुआ है, कि अगर आपने सबमिट किया है, ठीक है, तो ज़रा आप जो है यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कि ये पेपर आपको सबमिट किया हुआ है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें, पूरा इसमें आ रहा है, और यहाँ सेव चेंजेस कर लेंगे। आपने यहाँ भी क्लिक कर दिया डिक्लेरेशन, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आपका पेपर सेव नहीं होगा, ठीक है। इस पर आपने लाजमी क्लिक करना है। अच्छा, ये अब आप देखें, ये आपके पास एक आ गया, ठीक है, कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एग्जामिनेशन पेपर। इसका मतलब है कि आपका पेपर सबमिट हो गया है। अगर आप कोई बंदा पेपर चेंज करना चाहे तो वो दोबारा चेंज भी कर सकता है। इस मीन वो कहता है कि यार जो है ना मेरा पेपर सबमिट नहीं हुआ, या मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ, तो वो इस एडिट वाले ऑप्शन पर भी आगे एडिट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है सबमिशन का, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपने पेपर चेंजिंग करनी है, टाइम है, या कुछ चीज़ रहेगी जो आपने लिखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ वापस आके यहाँ पे नई फाइल आके आप जो है ना इसको डिलीट करके, ठीक है, और नई फाइल अपलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये मालूम हो गया कि आपका पेपर सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, क्योंकि आपने एडिट नहीं किया, चीज़ डिलीट नहीं की, ठीक है ना। ये आप स्टेटस पे आएंगे तो ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को एडिट के बाद भी शक हो कि हुआ है नहीं हुआ, तो वो थोड़ी देर बाद, एक दो मिनट बाद, ठीक है, वो इसको चेक भी कर सकता है, ठीक है, क्लिक करके, ठीक है, रिफ्रेश करके, तो आपके मिनट यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये देखिए हमारे 56 मिनट्स हो गए, इसका मतलब है आपका पेपर सबमिट हुआ है, ठीक है। और इसकी एक ईमेल भी आ जाती है आपकी ईमेल एड्रेस पे, ठीक है, तो अपनी ईमेल ज़रूर चेक किया करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है किसी को कोई इशू आए पेपर में तो रब्ता कर सकता है मुझसे, ठीक है। और बरए मेहरबानी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। और अगर कोई क्वारी हो, कोई वीडियो में चीज़ रहेगी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के, ठीक है, ताकि मैं नई वीडियो में इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर करूँ और उन चीज़ों की क्वेश्चन कर सकूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।